सारी चीज़ें कॉपी कर लेना। अच्छा जी, तो वर्डप्रेस में मसला ये है कि इसका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, वरना ये आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी आप इसके अंदर PHP माई एडमिन के ऊपर जाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बना ली, वर्डप्रेस डेटा, तो ये वर्डप्रेस डेटा की जो है ना एक डेटाबेस यहाँ पर बन गई है, इसको हम यूज़ करेंगे। अगर आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ जो है ना वर्किंग में नहीं आएगी। उसके बाद जो वर्डप्रेस है यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे और इसको WW डायरेक्टरी के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ पर अनजिप कर लेंगे जस्ट लाइक जूमला। हाँ एंड्रॉयड नहीं पढ़ रहे वो लोग, पेपर सो रहे होंगे। तो सही है, आपके भी दो रहे होंगे तो कब से 27 है ना, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं। दरअसल मसला पूरी क्लास ही उनकी है, तो अब मैं क्या। अच्छा अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस मिल रहा होगा। अच्छा ये दो दो फोल्डर बना रहा है तो ये गलत है, इसको एक फोल्डर में कर लें, वरना ये आगे चल के मसला करेगा हमें। अब सही, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपसे कह रहा है क्रिएट करने को, उसको क्रिएट करवा दें। फिर आपको वो बता रहा है कि आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी आपको डेटाबेस होनी चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होनी चाहिए, होस्टिंग एड्रेस आपके पास होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। डेटाबेस का नाम जो है ना वो आप यहाँ पर देंगे जो अभी हमने बनाया है, WP डेटा के नाम से बनाया। यूज़र नेम हमारा जो है वो रूट है, ये हमने जुमला में इंस्टॉलेशन में दे देते हैं। पासवर्ड से कुछ भी नहीं है, ब्लैंक करना है। डेटाबेस जो होस्ट कर रहे हैं वो हम लोकल होस्ट के ऊपर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो लोकल होस्ट ही इसके अंदर आ जाएगा, टेबल प्रेफिक्स WP आ जाएगा। ये अमूमन यूज़ होता है कि अगर मेरे पास एक ही डेटाबेस है और उसके अंदर मैं दो तीन वर्डप्रेस की साइट बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम टेबल प्रेफिक्स अलग-अलग अलग-अलग रख के इस चीज़ को देख सकते हैं कि कौन सी डेटाबेस के कौन से टेबल हैं, यानी जो भी इसके अंदर पोस्टिंग वगैरह है वो इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। रन द इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन के ऊपर चला गया। वेलकम इन्फॉर्मेशन नीडेड आपसे मांग रहा है, आपने साइट टाइटल इसके अंदर दे दिया, जो साइट टाइटल हम इसके अंदर बता देते हैं AMI Apex। यूज़र नेम आपने उसको दे दिया एडमिन, वही जो हमें आदत है वही वाला देते हैं एडमिन, और पासवर्ड भी इसका दे दिया एडमिन, और कंफर्म पासवर्ड भी हमने इसको एडमिन असाइन कर दिया। ईमेल एड्रेस दे देते हैं, प्राइवेसी इंस्टॉल वर्डप्रेस। सक्सेसफुली आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इनिशियली आपके पास जो लॉगिन करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पर तो हम लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है WP-login.php, यानी ये आपका URL होगा जिससे आप नेक्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर पाएंगे। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आप इसको दे दें, जैसे लेट सपोज मैं इसको दे दिया एडमिन, यूज़र नेम और पासवर्ड इसको दे दिया एडमिन, रिमेंबर मी, हमने इसके अंदर कर दिया, इसको लॉगिन करेंगे। तो ये आपके पास वर्डप्रेस जो है ना वो इंस्टॉल हो गया, और इसके अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें वो इस वक्त
आपको नज़र आ जाएंगे। तो वर्डप्रेस के अंदर जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो होती हैं पोस्ट, जिसके अंदर हम नए पोस्ट बना सकते हैं यानी नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस हैं जिसके अंदर आप नए पेजेस बना सकते हैं। इन पेजेस की कैटेगरीज, पोस्ट की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, पेजेस की नहीं होती। तो यहाँ पर हम इसको कैटेगरी वाइज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मीडिया है जिसमें कोई फाइल वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसको किसी प्लगइन के साथ अटैच कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कमेंट्स हैं, ये हम ये कर सकते हैं जितने भी पेजेस हैं वो उसके अंदर आपको एक कमेंट्स बॉक्स मिल रहा होता है, वहाँ पर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, उसको यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। अपेरियंस हैं, अपेरियंस के अंदर आप इसके अंदर थीम्स हैं यानी जो टैम्पलेट्स जिसको हम कहते हैं वो चेंज किया जा सकता है इसके अंदर, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मेन्यू जो आपके पास टॉप पे आ रहा है उसको हम देखेंगे वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। हेडर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। बैकग्राउंड किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें सुधार रही है। प्लगइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर हम क्या करते हैं जैसे कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है तो वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, और जस्ट लाइक जैसे हमने आपको जूमला में करवाया था, हमने मीडिया प्लेयर का एक प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लिया था, तो जहाँ पर मुझे मीडिया प्लेयर लिखना था उसकी एक लाइन ऑफ कोड थी वो मैं राइट कर देता था तो वो चल जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि आपको कोई भी प्लगइन जो है ना आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, और जिसके पेज के ऊपर लगाना है या किस पोस्ट के ऊपर मुझे इसको यूज़ करना है, जैसे जस्ट लाइक कैलेंडर है उसको यूज़ करवा देंगे, एक दो चीज़ें और हैं प्लगइन्स के अंदर वो आप यूज़ कर लेंगे, उसके लिहाज से उसको हम यहाँ पर बना लेंगे। फिर डिफरेंट और चीज़ें दी हुई हैं, टूल्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, इसकी सेटिंग्स हैं यानी कोई जनरल सेटिंग है, राइटिंग की, रीडिंग की, डिस्कशंस हैं, मीडिया की विथ वगैरह है कि कितना आप साइज़ वगैरह इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आ जाएंगी। साइट को रन करने का तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो ये आपको इसकी जो वेबसाइट है वो दिखा देगा, यानी इनिशियली जो टैम्पलेट इसने हमें इंस्टॉल करके दिया है वो ऐसा टैम्पलेट है। इस टैम्पलेट को हम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी चीज़ें इसके अंदर लगा सकते हैं, पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोबारा अगेन उसके ऊपर जाना चाहें तो आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना ले के आ जाएगा। इस वक्त एग्जिस्टिंग पोस्ट को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह से अगर पेजेस को देखना चाहें तो यहाँ पर पेजेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को फिर हम कल की क्लास के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कल ये कम्प्लीट हो जाए, अगर कम्प्लीट नहीं होंगी तो फिर एक और क्लास दे देंगे आप, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछे इसको क्या डिटेल है, बढ़ाओ इसकी डिटेल, नहीं इसकी डिटेल नहीं है ना, ये इतना ही है, बता दो। इसके अलावा कुछ और होता है तो बता दो, ये जो चीज़ें आपको सामने सामने नज़र आ रही है इतना ही होता है वर्डप्रेस। हाँ साइट बनवाएंगे आपको कंप्लीट, आपको एक नया टेम्पलेट्स में दे दूंगा। अच्छा इसका फ़ायदा ये है, अरे भाई ये ई कॉमर्स वगैरह इसमें कहाँ से आ गया, ये वर्डप्रेस के अंदर मसला ये है कि इस किस्म की साइटें नहीं बनती, ये ज़्यादातर काम इसके अंदर ब्लॉगिंग पे इसकी साइट चल रही है, ब्लॉगिंग्स के ऊपर। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो जो काम कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि PHP के ऊपर साइट बना रहे हैं, टेम्पलेट इसका यूज़ कर रहे हैं। तो प्लगइन्स होगा ना इसका, प्लगइन इंस्टॉल कर लें उसको चला लें, आप मुझे दे दें वो प्लगइन, चले मुझे दे दीजिए मैं इसको देख लूँगा, मैं उसका करवा देंगे आपको। उस दिन लास्ट टाइम तो आपने नहीं दिया था, वो तो इनकी देखें फ्री है, हाँ लेकिन मसला वही है ना कि यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए इसके अंदर हम आपको इतना करवा देंगे कि कोई प्लगइन यूज़ किस तरीके से होता है। अब आप ऐसे 10 प्लगइन लेके आ जाओ उसको यूज़ करवा लो, वरना अब आप मुझसे कहोगे हर प्लगइन को मैं डिटेल में डिस्कस करूँ तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। आप कर सकते हो, अब इस स्टेज के ऊपर हो कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ मैं ये आपको ये बता रहा था कि वर्डप्रेस के अंदर जो है ना आप नेट पर जाएँ, इसकी वर्डप्रेस की जो साइट है हाँ wordpress.com, वहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से इसके टैम्पलेट डाउनलोड कर लें। असल जो चीज़ है वो इसके टैम्पलेट, या जिसको हम थीम कहते हैं ना वो है, आप उसके ऊपर जाएं, यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आपके पास पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, तो जितनी अच्छी आपकी थीम होगी उतनी अच्छी आपकी साइट बनेगी।
वो जो बात कर रहे थे ना साइड की, तो साइड भाई डिपेंड करती है आपकी थीम के ऊपर। अब जैसे ये थीम है, ये थीम है, ये थीम्स हैं, अच्छा ये तो फ्री थीम्स है ना, तो इतनी अच्छी नहीं है। अब जैसे ये थीम है इनकी, एक वर्डप्रेस की थीम है। हाँ तो, हाँ तो वो यार वही है ना कि आप थीम उसकी ले लो। अब जैसे ये एक ई कॉमर्स की एक, ये आप मेरे ख्याल से इसकी बात कर रहे थे ना शॉपिंग की। हाँ तो ये थीम है ना, आप इसकी थीम डाउनलोड कर लो, फिर उसके अंदर जो भी इसके अंदर प्लगइन्स वगैरह होंगे। अब इसमें क्या क्या बता रहा है कि शॉपिंग थीम इज़ द ई कॉमर्स ओमेगा चाइल्ड थीम फॉर द वर्ड प्रेस, शॉपिंग वर्ड प्रेस थीम इज़ द डिज़ाइन द वर्क द वू वू कॉमर्स प्लगइन्स। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, प्लगइन है ना, तो ये प्लगइन लगा लो इसके अंदर। अब ये देखो ये फ्री डाउनलोड हो रही है क्या, अगर फ्री ये पूरी थीम पड़ी हुई आपके पास। करवा देंगे इसको अगर ये फ्री है और कम प्लगइन्स चल रहे हैं तो करवा देंगे उसको, ठीक है। असल जो चीज़ है मैं आपको वही बता रहा था कि असल में इसमें होते हैं प्लगइन्स, उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद उसका कुछ आपको सेट ऑफ लाइंस होती हैं, वो आप जहाँ पर लिखोगे उस क्लास से वो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसको कल की क्लास के अंदर हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट तो ये बहुत आगे चले जाएंगे थीम के ऊपर, यानी शुरू से पोस्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि पोस्ट क्या होती है, कैटेगरीज क्या होती हैं, आपके पास ब्लॉग्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, मेन्यू किस तरीके से बनता है, थीम किस तरह चेंज करते हैं। फिर आखिरी टॉपिक जो होता है वो प्लगइन का होता है कि प्लगइन्स किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं, उसको लगाया किस तरह। अब प्लगइन्स बहुत सारे होते हैं, यानी वही ना कंट्रोल जिसको हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपके पास एक कैलेंडर का एक विजिट्स हो गया, हाँ फेसबुक का आपने लाइक लगा दिया, ये वही वही चीज़ है असल में, तो प्लगइन्स ही हैं। उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद उसके आप सेट ऑफ लाइंस, हाँ वो आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद जो है ना उसकी लाइन ऑफ कोड होगी वो हर एक आपने उस पर लगा दिया, फुटर पे लगा दिया, तो हर एक के ऊपर आपको लाइक मिलना शुरू हो जाएगा, उसके लिए यूज़ कर देंगे।